एवरी वन सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला सो आज की एक खास वीडियो है जिसपे हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन बायोसर रिजर्व एंड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सो so, ये दो वीडियो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को करवाई है सो so, जो भी मैंने आपको बोला था कि जो भी मैं आपको ट्रिक्स वाली वीडियो कराऊंगी उस पर एम जरूर करवाऊंगी ताकि आप लोगों का यहाँ से रिविजन हो सके एंड इससे क्या होगा आपकी ट्रिक्स भी स्ट्रांग बनेगी एंड आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा और आप किस तरीके से एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे सो so, जो भी हम लोग के यहाँ पर स्टेटिक जीएस का कोई भी पोर्शन या करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक्स लिया करेंगे उस पर अगली वीडियो हम लोग एम की करा करेंगे ठीक है सो so, ये दो टॉपिक की इकट्ठी वीडियोस करते हैं एमसी की क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हो तो जल्दी से जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियो का लिंक होगा आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं सो so, चलो फिर वीडियो को शुरू करें एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोस्फर रिजर्व एंड चीफ जस्टिस जितने भी हाई कोर्ट्स हमारे हैं सबके हम लोगों ने ट्रिक से बहुत ही अच्छी तरीके से याद करा है सो so, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट कब लॉन्च हुआ था So, सबसे पहले आप लोग अपना आंसर लगाएंगे उसके बाद आप लोग आंसर चेक करेंगे तभी तो रिविजन माना जाएगा ना चलो तो बताओ फिर फिर रिजर्व कब लॉन्च हुआ था इंडिया में ध्यान रखिएगा आपसे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है सो गलत मत करके आइएगा आंसर क्या लगाया आपने आंसर क्या होगा इसका नाइनटीन इज द करेक्ट आंसर जिसको बोला गया था नेशनल बायोस्फेयर रिजर्व प्रोग्राम ठीक है इस प्रोग्राम के तहत 1986 में इसको लॉन्च किया गया था और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें है ना कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनेस्को के द्वारा लाया गया था और कब आया था तो 1971 में आया था जब हम अगर हम पूरे विश्व की बात करेंगे यानी यूनेस्को की बात करेंगे ठीक है लेकिन इंडिया की बात करेंगे तो आंसर आपका नाइनटीन होना चाहिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ती हैं भारत में कुल कितने बाइसफेयर रिजर्व हैं और अभी देखो जो एन का आपका एग्जाम चल रहा है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में टोटल कितने बाइसफेयर रिजर्व है सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 सो so, भारत के जो है वो इस टाइम प्रेजेंट में एटीन बाइसफेयर रिजर्व हैं ओके okay? अगला क्वेश्चन है देखो यूनेस्को के जो वर्ल्ड नेटवर्क है मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम उसमें भारत के कितने बायोस्फेयर रिजर्व इंक्लूड किए गए हैं ठीक है ठीके? टोटल तो हमारे 18 हो गए बस सारे के सारे इंक्लूड नहीं किए गए हैं ये आपको ध्यान रखना है सो कितने इंक्लूड करे गए जल्दी से आंसर आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ट्वेल्व ठीक है और सभी मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं बहुत अच्छे से अगर वीडियो नहीं देखी हो सो so, इस वीडियो से पहले प्लीज उस वीडियो को आप लोग चेकआउट करें सो so, बाया सॉरी बारह ऐसे हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में इंक्लूड किए गए हैं अगला क्वेश्चन है देखो भारत का सबसे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है चलिए बताइए ये तो एक तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है पहला कौन सा है ये सब पता होना चाहिए चलो बताइए क्या हो जाएगा सो so, जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ और ये है कहाँ पे ये है गुजरात में ये भी ध्यान रखना है स्टेट भी आप लोगों से पूछी जा सकती है एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी बायसवर रिजर्व किस राज्य में है अब आ जाता है इस तरीके से क्वेश्चन तो so ये आप लोगों को यहाँ से देखो पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है बताओ पंचमणि बायसवे रिजर्व याद कैसे करा था थोड़ा सा देखो पांच से हम लोगों ने बनाया था पांच पांडव जब पांच पांडव जी कोई काम करते थे ना तो कभी बीच में नहीं छोड़ते थे पूरा काम करते थे तो बीच में नहीं छोड़ते थे बीच का मतलब क्या हो गया मध्य तो ये कहाँ पे है मध्य प्रदेश में सो देखा ट्रिक से बहुत इजी होता है याद करना अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ट्रिक से याद कर सकते हो ठीक है और एक और चीज़ पंचमणि बायोस्वे रिजर्व 2009 में इंक्लूड किया गया था किस में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क प्रोग्राम में अगला है ग्रेट निकोबार बाइसवर रिजर्व को किस वर्ष यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया था सो देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है ये भी पूछ सकते हैं ईयर भी आप लोगों से सो बताइए कौन से वर्ष शामिल किया गया था आंसर हो जाएगा 2013 ठीक है और नाम से पता चल जाएगा ग्रेट निकोबार बायसवर रिजर्व कहाँ पे है अंडमान निकोबार में है यह तो नाम से याद हो जाएगा ठीक है बड़े अगले क्वेश्चन पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं देहांग दिबांग बायसवे रिजर्व कौन से राज्य में है बताइए तो देहांग और दिबांग कौन से राज्य में है ये है अरुणाचल प्रदेश में सही आंसर लगाया है ना तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है आ, बिल्कुल अच्छे से अपना आंसर लगाना है और जो देहांग दिबांग बायसवे रिजर्व है ये आ, यूनेस्को के प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है सर कभी पूछ लिया ना तो आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा अगला है भारत का पहला बायोस्फे रिजर्व कौन सा था मतलब आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट बायोस्फे रिजर्व कौन सा है बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा नीलगिरी और नीलगिरी पड़ता कहाँ पर सो तो ये तमिलनाडु केरला और कर्नाटका ये तीन स्टेट में पड़ता है ध्यान रखेंगे सबसे पुराना है 1986 सिक्स में ये फॉर्म किया गया था और यूनेस्को की वर्ल्ड लिस्ट में शामिल किया गया इसको दो हज़ार में ठीक है इन दोनों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं सो साथ साथ रिवीजन कर देंगे अगला आता है सिम्बली पाल बायोस्फेर रिजर्व कौन से राज्य में है और ये कब बना था सो देखो एक क्वेश्चन से यहाँ पे दो क्वेश्चन बने हैं सो पहली बात तो ये कौन से राज्य में है? तो सिमली पाल है उड़ीसा में अब देखो उड़ीसा तो ये दो है अब आंसर कौन सा होगा सही कौन से ईयर में बना था 1994 में बना था। सो so, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक so, है सो सिमलीपाल कहाँ है उड़ीसा में है और कौन से राज्य और कौन से ईयर में था नाइनटीन में बना था ठीक है बड़े आगे हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भारत का सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना है मतलब जो सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व बना है भारत का वो बताना है हमें तो क्या हो जाएगा जल्दी से लो, आप लोग आप लोग अपना आंसर्स लगाएंगे यहाँ से कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सो so, करेक्ट हो जाएगा हमारा जल्दी से पन्ना न पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 2011 में बना था और इसको यूनेस्को की प्रोग्राम में 2020 में शामिल किया गया है और ये है कहाँ पे सो so, ये मध्य प्रदेश में है ठीक है सो तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना और हमने इसे याद कैसे करा था चलो सोचो जल्दी से ट्रिक बताओ इसकी हमने ऐसे याद किया था कि जो पान है उसके बीच में बहुत सारा माल भरा होता है सो so, पान के बीच में बीच का मतलब हो जाएगा मध्य और मध्य से हमारा क्या बन जाता है मध्य प्रदेश बन जाता है राइट सो इस तरीके से आप लोगों को याद आ जाएगी अगला है देखो सबसे पहले देखो बायस फोर रिजर्व वाले क्वेश्चन करें फिर करेंगे चीफ जस्टिस वाले ठीक है अगला है शीशाचलम फोर रिजर्व कहाँ पर स्थित है तो जल्दी से आंसर करके बताएंगे कि ये जो बायसव रिजर्व है ये कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में होगा देखो अरुणाचल प्रदेश होगा मेघालय होगा या फिर कर्नाटका होगा सो द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर यहाँ पे oh shit, मैं लिखना ही भूल गई हूँ अरुणाचल प्रदेश की जगह कर लो यार सॉरी आंध्र प्रदेश कर लो ठीक है कभी कभी ऑप्शन में मिसमैच हो जाता है सॉरी फॉर देट पी में सही कर दिया जाएगा इसको सो शीशा जलम पर है आंध्र प्रदेश में है ठीक है ये आपको सही से ध्यान रखना है और 2010 में ये फॉर्म किया गया था मतलब बना था 2010 में बायोस्र रिजर्व नेक्स्ट आता है हमारा नोकरेक बायोस्र रिजर्व किस वर्ष यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया था सो जल्दी से आंसर बताएंगे नोकरेक कब शामिल किया गया था आंसर क्या हो जाएगा 2009 और ये है कहाँ पे कहाँ पे है ये बताओ ये है मेघालय में ठीक है स्टेट भी आप लोगों को ध्यान रखनी है तो नोक रेख कहाँ पे है कैसे याद किया था हमने मेघों को नो रोको नो रोको मेघों को ठीक है क्यों ना रोको बरसने दो उनको तो ऐसे भी आप लोग इसको याद कर सकते हो ठीक है 2009 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया था अगला है उत्तराखंड में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है देखो उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व है कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि नीचे दिया गया कौन सा स्टेट है जिसमें से बायोस्फीयर रिजर्व है नहीं सो थोड़ा सा यहाँ से भी इस तरीके से भी आप लोग ध्यान रखिएगा तो उत्तराखंड में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी याद आए ना नंदा देवी पी के उत्तराखंड में तो उससे आप लोग बना लोगे बिल्कुल वैसे भी याद कर सकते हो नंदा देवी ठीक है और नंदा देवी 2004 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में इंक्लूड किया गया था राइट चलो आगे बढ़ते हैं सो अब हमारे बाइसवा रिजर्व के क्वेश्चन देखो इसी तरीके से पूछे जाएंगे या तो आपसे स्टेट पूछ लेंगे या स्टेट देके के रिजर्व का नाम पूछ लेंगे या फिर यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में कब शामिल किया गया था ठीक है इस तरीके से सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अब आ जाते हैं हाई कोर्ट वाले क्वेश्चंस। देखो कैसे बनेंगे सबसे पहला है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है सो so, जल्दी से आंसर करके बताओ मैंने बताया है वीडियो में सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा था कैलकटा हाईकोर्ट बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देखो जो कैलकटा हाई कोर्ट है और जो बॉम्बे और जो मद्रास हाई कोर्ट है ना ये तीनों फॉर्म हुए थे 1862 में लेकिन सबसे पहले कैलकटा बना था ठीक है उसके बाद बॉम्बे एंड देन मद्रास हाईकोर्ट को बनाया गया था सो so, ये आपको ध्यान रखना होगा अगला है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है सो बताएंगे कि पटना के कौन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सो so, हमने पटना से देखो कैसे बनाया था हमें पटाना है भाई हमें किसको पटाना चाहते थे हम पटाना चाहते थे कर काजोल मैम को जो एक्ट्रेस है ठीक है और उनको पटा लिया तो समझ लो आपके क्या हो गई जय हो गई तो संजय और करोल से काजोल तो हो गया ना देखो संजय करोल इसके कौन है चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के नेक्स्ट है भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट एज कितनी होती है बहुत बार पूछते हैं तो क्या होगा आंसर 62, 65 मत लगा के आ जाना 65 सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है मतलब जो उच्चतम न्यायालय होता है ठीक है सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 62 टू ईयर्स हो जाएगा नेक्स्ट है भारत में कुल कितनी उच्च न्यायालय हैं तो टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है 25, 25 ट्वेंटी फाइव उच्च न्यायालय है हमारे भारत में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना रिजाइनेशन किसको देते हैं बताइए मैंने आपको बताया हुआ है किसको देते हैं प्रेसिडेंट को देते हैं बिल्कुल करेक्ट सो ये अपना रिजाइनेशन प्रेसिडेंट को सबमिट करती हैं अगला क्वेश्चन है संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि दो से या दो से ज्यादा राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है आपने देखा भी था जब मैंने वीडियो बताई थी तो कम से कम तीन चार राज्यों का भी एक हाई कोर्ट था सो so, ऐसा प्रावधान कौन से आर्टिकल में लिखा गया है सो so, आंसर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर टू इसमें इस तरीके का प्रावधान दिया गया है अगला है इंद्रजीत महंती किस राज्य के न्यायाधीश हैं तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि न्यायाधीश का नाम देके आपसे स्टेट का नाम सॉरी जो भी उसका हाई कोर्ट है ना वो पूछ सकते हैं सो so, हमने इसे कैसे ध्यान रखा था देखो चलो रिवाइज करते हैं इंद्रजीत मतलब इंद्र और मेहनती से हम लोगों ने निकाला था महान तो इंद्र जो है वो अपनी महानता से क्या करते थे स्वर्ग पर राज करते थे ये ट्रिक बनाई थी ना और राज से क्या बन जाएगा राजस्थान बन जाएगा सो so, इंद्रजीत मेहनती जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं अगला है गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है चलो जल्दी से बताएंगे कौन है विक्रम नाथ कि राम का नाम लेना राम मतलब जो हमारे नाथ भगवान जी हैं उनका नाम लेने के लिए दिन रात नहीं देखना होता तो दिन रात से दिन से तो कुछ नहीं होगा रात से हमारा गुजरात बन जाएगा सो इस तरीके से याद करना है अगला है भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितनी न्यायाधीश होते हैं एक तो होता मेन चीफ जस्टिस है ना बाकी और जजेस भी तो बैठते हैं ना सो कितने होते हैं बताओ बिल्कुल आपने सही करेक्ट लगाया अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा देखो इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि आ, बाकी कितने और जजेस जो है वो न्यायाधीश के अलावा होने चाहिए सो इसकी कोई भी संख्या बिल्कुल भी डिफाइन नहीं की गई है अगला क्वेश्चन है अकील कुरेशी इज द जज ऑफ विच हाई कोर्ट सो जल्दी से आंसर करके बताएंगे अपना कि अकिल कुरेशी कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं बताओ करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा सो so, हो जाएगा हमारा त्रिपुरा देखो कुरेशी से हम लोगों ने कलेश बनाया था और कलेश मतलब कोई काम जब बिगड़ जाता है सो so, हम कहते हैं ना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सो so, तीन से क्या हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा तो so, मैं ट्रिक्स भी आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ नेक्स्ट है सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा बना है सो so आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही 2019 में फॉर्म हुए थे सो so इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला है मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं सो आंसर क्या हो जाएगा मेघालय के कौन बने हैं विश्वनाथ सौमदेर कैसे ध्यान रखा देखो जो मेघ है अब भैया मेघ एक जगह तो होते नहीं है क्या आपके घर के ऊपर मेघ और कहीं है ही नहीं मेघ मतलब बादल पूरे विश्व भर में बादल है सो so, विश्व से क्या बन जाएगा विश्वनाथ सौम बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली ही आपको याद होना चाहिए बिल्कुल पंकज मित्तल इज द करेक्ट आंसर ओके अगला क्वेश्चन हमारा क्या है संजीव बनर्जी किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा संजीव बनर्जी कहाँ के हैं आंसर हो जाएगा मद्रास के हैं मैड मद्रास से हम लोगों ने मैड मैड नि, निकाला था और जो मैड लोग होते हैं वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं इसलिए उन्हें हर जगह से बैन कर दिया जाता है आया ना याद आप लोगों को चलो अगला देखो क्या है मिजोरम असम और नागालैंड कि कोर्ट का नाम क्या है भैया ऐसे भी, भी क्वेश्चन बन जाता है इसलिए मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन यहां पे दिया है बताओ मैंने कितने स्टेट लिखे हैं यहां पे तीन स्टेट लिखी है कौन कौन सी मिजोरम असम एंड नागालैंड सो आपको बताना है कि इन सभी के हाई कोर्ट का नाम क्या है इन सभी का एक ही हाई कोर्ट और वो कौन सा है गुवाहाटी कोर्ट ठीक है और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना आंध्र प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट भी कौन सा है गुवाहाटी कोर्ट। और इसके चीफ जस्टिस कौन है सुधांशु धुलिया ओके okay, चलो यहाँ पे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं अब आता है होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग भी अपना थोड़ा सा रिवीजन कर सकें सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है जल्दी से कमेंट करिएगा सेकंड क्वेश्चन है अचकनमार अमरकंटक बायसुए रिजर्व कौन से राज्य में है सो so, रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज ज़्यादा नंबर में कमेंट किया करें ताकि आप लोगों का ही यहाँ से रिविजन हो सके एंड वीडियो को कम्प्लीट देखा करें सो so, चलिए फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक यू for watching this video